हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर अकाउंट पार्ट टू का चैप्टर नंबर फर्स्ट शेयर कैपिटल स्टार्ट करा था स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का एक्सप्लेनेशन दिया था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूँ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं सब नंबर 7, जिसके अंदर मुझे जनरल किसकी बनानी है, पाकेदार सुगर लिमिटेड कंपनी की मुझे जनरल बनानी है, जिसके अंदर मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया है, डेट पर्टिकुलर LF डेबिट एंड क्रेडिट। चलिए तो सबसे पहले आपको पता ही होगा मैं सम के अंदर सबसे पहले क्या करता हूँ, वर्किंग नोट करता हूँ, क्योंकि वर्किंग नोट से आपका पूरा सम इजी हो जाता है। इसलिए आपको भी ये हैबिट डाल देना स्टूडेंट्स, अगर आपको सम को प्रॉपर वे में करना है और अगर फुल्ली मार्क्स लाना है एग्जाम के अंदर, तो अगर आपने ये वर्किंग नोट करी होगी तो आपका आंसर हमेशा आ जाएगा। सम के अंदर ऐसा है कि कंपनी ने कितने शेयर इश्यू करे थे, 12 लाख, और उनको एप्लीकेशन कितने के लिए मिला था, 13,50,000 के लिए। तो जो ज़्यादा के आए होंगे वो उनको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा। सो पहले तो एप्लीकेशन में 13,50,000 की 2.50 रुपीज़ के हिसाब से मुझे कितना मिला था, 33,75,000। उसमें मैंने 1.5 लाख को क्या करा, रिजेक्ट करा। सो 3,75,000 क्या होगा, रिजेक्ट। तो कितना रुपया मेरे पास बचा होगा, 30 लाख। अलॉटमेंट हम लोग कितने को देंगे, 12 लाख को देंगे, क्योंकि हमेशा अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल तीनों के अंदर अमाउंट सेम ही आती है। 12 लाख को हम लोगों ने अलॉट करा। अब उसके अंदर देखो आपको नीचे जो दिया हुआ है, ऐश्वर्या एक पार्टनर है जिसको 960 शेयर हमने दिए थे, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं भरा है, और दूसरा एक पार्टनर है विनय जिसने खाली क्या नहीं भरा हुआ है, फाइनल कॉल। तो अलॉटमेंट तो सभी ने भरा हुआ है, तो अलॉटमेंट में कॉल इन एरियर आएगा नहीं, पर फर्स्ट कॉल के अंदर ऐश्वर्या जो है उसने 960 नहीं भरा हुआ है, कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपीज़ के हिसाब से नहीं भरा हुआ है, तो मेरा कॉल इन एरियर हो गया। और फाइनल कॉल के ऊपर 960 ऐश्वर्या का और 1200 किसका, विनय का, क्योंकि उसने तो दोनों ही नहीं भरा ना, विनय ने चलो फाइनल कॉल नहीं भरा है, पर ऐश्वर्या ने भी फाइनल कॉल नहीं भरा था ना, तो दोनों का टोटल कितना आ गया, 2160, और मल्टीप्लाई जो अमाउंट थी उसकी वो। चलिए क्लियर है। चलो मैं आप एंट्री में एक एक करके मैं एंट्री स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट एंट्री मेरी क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितना अमाउंट आया था हमारा, टोटल कितना मिला था हमको एप्लीकेशन में, 33,75,000 लिखा हुआ है मैंने। चलिए सेकेंड एंट्री क्या करते हैं हम लोग, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू बैंक, बैंक वाली एंट्री कब आएगी, जब रिजेक्टेड आएगा तभी आएगा। चलिए तो कितना था, 33,75,000, उसमें कितना रुपीस रिजेक्ट हुआ था मेरा, 3,75,000, माइनस करने के बाद जो 30 लाख बचा वो मेरा कहाँ जाएगा, शेयर कैपिटल में। ओके चलिए थर्ड और फोर्थ नंबर की एंट्री याद ही करनी है, एंट्री है तो हमको इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना, 30 लाख। और फोर्थ एंट्री क्या करते थे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, सो 30 लाख एज इट इज आ जाएगा, क्लियर है। चलिए फिफ्थ नंबर की एंट्री, फिफ्थ में क्या करते थे हम लोग, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट की जगह क्या लिखते हैं, सिर्फ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और आई थिंक आगे के जो प्रीवियस था मैंने कराया था बेटा उसके अंदर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों साथ में था, इसलिए हमने साथ में एंट्री करी थी, जबकि यहाँ पे फर्स्ट और फाइनल कॉल दोनों अलग अलग दिया हुआ है दोनों की अमाउंट, इसीलिए। तो फर्स्ट कॉल के अंदर कितना आ गया, 24 लाख। सिक्स नंबर की एंट्री क्या करूँगा मैं, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल इन एरियस अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 24 लाख मंगाना था इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल का, उसमें हमारा 1920 तो मेरा क्या था, कॉल इन एरियर था, क्योंकि वो तो पैसा मेरे पास आया ही नहीं था, तो मैंने कॉल इन एरियर में लिख दिया। सो 24 लाख में से बाकी का माइनस करने के बाद कितना रुपया हमारे बैंक में डिपॉजिट हुआ होगा, 23,98,080 रुपीज़, इतना मेरे बैंक अकाउंट के अंदर क्या हुआ होगा, डिपॉजिट हुआ होगा। क्लियर हो गया अभी स्टूडेंट आपको। चलते थे सेवन के अंदर फाइनल कॉल की एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितना अमाउंट था हमारा फाइनल कॉल का, 36 लाख लिख दिया मैंने, 36 लाख। ओके एंड देन एट्थ में क्या आ जाएगी हमारी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिटेड कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, और कितना था हमारा फाइनल कॉल के अंदर हमको लेना कितना था, 36 लाख, पर उसमें 6480 तो मेरा क्या कॉल इन एरियर, क्योंकि वो अमाउंट तो मुझे मिली नहीं थी, तो मेरा बैंक में कितना डिपॉजिट हुआ होगा, 35,93,520, इतना रुपीज़ मेरा अकाउंट में डिपॉजिट हुआ होगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट आपको ये भी पक्का। तो ये सब के अंदर हम लोगों ने क्या नया सीखा कि जो जो पार्टनर ऐसे होते हैं जो अपनी अमाउंट नहीं पे करते हैं तो उनकी अमाउंट हम लोग कहाँ लिखेंगे, कॉल इन एरियर में। अगर किसी पार्टनर ने फर्स्ट कॉल भरा है पर फाइनल कॉल नहीं भरा है तो उसकी भी एंट्री हम लोग किस तरह करते हैं उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्लियर हो गया, तो आई होप दैट अब सभी को ये सम बहुत ही ईजी वे में क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर आपको मैं प्रीमियम के सम कराने वाला हूँ। सो टिल देन बाय एंड स्टे ट्यून्ड।